यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में आज आठवां दिन हो गया है। तबाही के निशान जगह जगह साफ तौर पर अब दिख रहे हैं और जिस खार्किव शहर पर रूस ने जोरदार बमबारी की है वो लगभग अब खंडर में तब्दील हो चुका है। उस पर कब्जे की खबर आ रही है, जो तस्वीरें आ रही है उसमें तबाही के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और साथ में चलती ये तस्वीरें आपके लिए सबूत के तौर पर कि खार्किव शहर का रूस की सेना ने क्या हश्र किया है। सड़कें सूनी हैं, बाजार पूरी तरह से उजड़ चुके हैं, जगह जगह पर बमबारी के निशान दिख रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि खार्किव में बड़ी तादाद में भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हुए हैं। खार्किव के बाद रूस की जो सेना है वो कीव के ऊपर आक्रमण करने की पूरी तैयारी में है और ये कहूं कि वो आखिरी हमले की तैयारी में है तो गलत नहीं होगा। 3 दिन से यूक्रेन की सेना रूस के कीव पर कब्जा करने से रोक रही है अपने आप को, या उसे रोका जा रहा है। यूक्रेन की सेना इनफैक्ट रोक रही है रशिया को। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस का ये कहना है कि बड़े मूवमेंट के बाद भी रूस को कीव तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। सवाल ये है कि यूक्रेन कब तक रूस की ताकतवर सेना को कीव पहुंचने से रोक पाएगा, कब तक कीव को यूक्रेन बचा पाएगा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी हुंकार रहेगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं, रूस के विदेश मंत्री ने युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए रूस बिल्कुल तैयार है। हम यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करना जारी रखेंगे। यही बात जो लगातार एबीपी न्यूज पर रक्षा विशेषज्ञ डे वन से कह रहे हैं, रूस यहां कब्जा करने नहीं आया है, रूस की जो मंशा है वो कुछ और है। सुनिए क्या कह रहे हैं सर्गेई। मैं готов к переговорам. И когда президент Зеленский попросил о переговорах, президент Путин тут же согласился, направил делегацию. Потом президент Зеленский передумал. Наверное, ему американцы сказали, чтобы он не торопился. А потом они все-таки сказали, нет, мы приедем. А потом приехали не в тот день, когда договаривались, а через сутки. ABP News. Aapko rakhe aage.